हेलो फ्रेंड्स, मैं कुलदीप वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल केएनटी ब्लॉग में अनटोल्ड स्टोरीज पे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही यम्मी ट्रेडिशनल पंजाबी रेसिपी। हाँ जी, आज हम बनाएंगे चूरी। एज सच तो देखिए, आप इसको लेफ्ट ओवर चपाती के साथ, लेफ्ट ओवर पराठों के साथ भी बना सकते हैं, बहुत ईजिली बन जाती है। लेकिन मेरे पास इस वक्त ना तो लेफ्ट ओवर चपातियाँ या कुछ ऐसा नहीं है, तो मैंने कहा चलिए इसको बिल्कुल आज बिगनिंग से ही इसकी तैयारी करने हैं, तो थोड़ा सा इसमें फ्लेवर ऐड करते हैं और बनाना शुरू करते हैं। आते हैं बहुत ही यम्मी सी चूरी, बहुत ही हेल्दी, बहुत ही सिंपल ये रेसिपी है। इंस्टेंट भूख लगे आप तब भी बना सकते हैं, बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं, क्योंकि हमें तो बचपन में हमारी मम्मा ने इसको ना टिफिन में स्कूल के लिए बहुत दिया है और हम इसे बहुत इंजॉय करते थे। और जैसे कि शायद आपको मेरी आवाज से, शक्ल से थोड़ा अंदाजा हो, हाँ जी मुझे वायरल हो रखा है, काफी रिकवर कर चुकी हूँ लेकिन अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हूँ। जैसे मुंह का टेस्ट अच्छा नहीं है, भूख बहुत लगी हुई है लेकिन कुछ खाऊं तो अच्छा नहीं लगता। तो जब भी कुछ इस तरीके की सिचुएशंस हो, जैसे रेशा हो जाए, गला खराब हो, तो आप उसमें भी इसको बना के खाएंगे ना, मतलब साथ में गर्म दूध ले लें या थोड़ी सी अदरक वाली चाय ले लें, तो ये ना पेट भी भर जाता है और आपको काफी मेडिसिनली भी फायदा करती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं चूरी। फ्रेंड, सबसे पहले मैं ले रही हूँ 2 से 2.5 कटोरी आटा। हाँ जी, जितना भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, है ना, जैसे आप लगा लीजिए कि पर पर्सन, जैसे ना इसको हम लोग ना बाइंड करके लड्डुओं की तरह बना लेते हैं, तो एक उसको आप पिन्नी कह लीजिए या चूरी का लड्डू कह लीजिए, तो उसके लिए एटलीस्ट हमें ना 2 चपातियों जितना आटा चाहिए होता है। तो मैंने ले लिया है यहाँ पे तकरीबन 2.5 कटोरी आटा। अब मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ी सी अजवाइन। हाँ जी, मैं इसमें तकरीबन 1/2 टीस्पून अजवाइन है, उसको मैं क्रश करके डालूंगी। इससे क्या है, इसमें देसी घी वगैरह डलता है तो डाइजेशन आपका बहुत अच्छा हो जाता है। करती है तकरीबन 1/2 टीस्पून अजवाइन। अब मैं इसमें डाल दूंगी तकरीबन उतना ही नमक। हाँ जी, थोड़ा सा नमक डाल देंगे ना तो ये ज्यादा मीठा मीठा नहीं लगता बिल्कुल। मैंने इसमें 1/2 टीस्पून नमक भी डाल दिया है। अब हम इसको मिक्स करके इसका लगा लेंगे आटा, जैसे हम रोटी परांठे के लिए आटा लगाते हैं बिल्कुल हमने उसी तरीके से इसका आटा लगा लेना है। तो फ्रेंड्स, हमारा आटा तकरीबन लग चुका है। मैंने तकरीबन 1/2 टीस्पून ऑयल लेके एक बार आटे पे अच्छी तरीके से लगा के एक बार मैं इसको फिर हल्का सा गूंद देती हूँ, और गूंदने के बाद मैं इसको दूंगी एटलीस्ट 15 मिनट्स रेस्ट। और 15 मिनट्स रेस्ट देने के बाद हम इसके बनाएंगे चपातियाँ या पराठे। आपने चपाती बनानी है, आपने पराठा बनाना है, वो आपकी चॉइस है। मैं तो इसके बनाऊंगी पराठे। तो फ्रेंड्स, आपने देख रहे हैं कि ये 15 मिनट्स के बाद ना आटा कुछ इस तरीके से काफी सॉफ्ट हो चुका है, जैसे कि हम रोटी और परांठे का आटा लगाते हैं। अब आपने इससे बनाने हैं, मतलब आपकी चॉइस है, आप रोटी बनाना चाहते हैं आप रोटी बना लीजिए, आप परांठे बनाना चाहते हैं आप परांठे बना लीजिए, लेकिन मैं इससे बनाऊंगी परांठे, क्योंकि जब हम पराठों को करारा सेक के उसके बाद चूरी बनाते हैं ना, मुझे उसका टेस्ट ज्यादा अच्छा लगता है। बस एक चीज का ध्यान रखें, जो भी आप रोटी या पराठा बनाए ना, वो थोड़ा सा, यानी कि जो भी आपकी लोई है थोड़ी बड़ी ले, यानी कि जितना आटा हम एक चपाती के लिए लेते हैं उससे ऑलमोस्ट डबल या 1.5, क्योंकि ना उससे ना ये बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट सिकती हैं और इसको हमने जल्दी कहते हैं ना हाई फ्लेम पे नहीं, थोड़ा आराम से ही रोटी हो या परांठे हो इनको फुला फुला के अच्छी तरीके से सेक के बनाना है। और मुझे लगता है कि जितना मेरा आटा है इसमें तकरीबन 8 से 9 मेरे परांठे बन जाएंगे, और मैं एटलीस्ट इस साइज की लोइयां लूंगी परांठे बनाने के लिए। तो अब मैं सेक लेती हूँ परांठे और फिर मैं मिलती हूँ आपसे। फ्रेंड्स, देखिए इस तरीके से ना मैंने परांठे सेक लिए हैं और ये ठंडे बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि जितना ये टोटल 7 परांठे हैं, जितना मुझे ये 7 परांठे सेकने में टाइम लगा है बस वही है। अब हमने इसको इस तरीके से ना एक खुले बर्तन में बाइट्स कर करके डाल देना है। ये कोशिश करें कि देखिए हाथ मेरे ना जिस तरीके से लाल हो रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये ठंडे नहीं है, इनको गर्म में ही करोगे तो ना ये बहुत अच्छी तरीके से ना, जैसे हम चूरमा बनाते हैं ना, तो बहुत अच्छी तरीके से ये ब्लेंड हो जाएगा सारा। इसमें काफी गर्म है, मतलब कोशिश करें कि आप इस तरीके से इसको
सारे परांठों को एक खुले बाउल में इस तरीके से बाइट्स बाइट्स कर लें आप। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए हमने सारे परांठों की इस तरीके से बाइट्स बना ले हैं और ये गर्म है, आप देख सकते हैं मेरे हाथ बिल्कुल लाल हो चुके हैं, मतलब बहुत ज्यादा गर्म नहीं लेकिन फिर भी गर्म है, जितने गर्म हम खाना पसंद करते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी 2 से 3 चम्मच बड़े देसी घी के। हाँ जी 1, 2, 3 फिलहाल तो मैं मतलब 3 से थोड़ा ज्यादा डाल देती हूँ। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ ये है जैजरी पाउडर, गुड़ की शक्कर मैं वो डाल रही हूँ। पहले तो मैं ये आधी कटोरी ही डालूंगी क्योंकि ना ये ज्यादा मीठी नहीं होती। उसके बाद हमने इसको अच्छी तरीके से ना गूंदना है और प्लीज जो हाई मतलब ये ना आपने गरम गरम जो रोटियां हैं उसी के साथ करना है और इस तरीके से आपको दोनों हाथ से ही करना पड़ेगा, ये देखिए। और ये अगर आप ठंडे में करेंगे तो नहीं हो पाएगा। अगर आप लेफ्ट ओवर रोटीज के साथ भी इनको बनाते हैं तो आप उनको एक बार तवे पे ना घी लगा के उन रोटियों को गर्म कर लें, पर ये तो ऑलरेडी आपके सामने मैंने फ्रेश आटा गूंद कर ही बनाया है। तो ये देखिए बहुत अच्छी तरीके से ना ये इस तरीके से मिक्स हो रहा है, ये देखिए बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो रहा है और ये बहुत यमी। अब मैं इसमें ये बाकी गुड़ की शक्कर भी डाल देते हैं, बिल्कुल एक छोटी कटोरी ही डाली है। आप लगा लीजिए कि अगर आपने ये वाली कटोरियां जो मैंने आटा लिया था ना वो 2.5 कटोरियां थी, तो ये कटोरी मैंने इसमें ये गुड़ की शक्कर डाली है और आप इसको अच्छी तरीके से गरम गरम को ही करना है। अगर आप ये ठंडा हो जाएगा तो आप इसको इस तरीके से नहीं कर पाओगे। तो ये तकरीबन हो गया है। इसकी देखिए ट्रिक है, अगर आप मतलब जो आपका रोटी या पराठा है अगर आप उसको थोड़ा मोटा बेल के सेकेंगे ना तो उससे भी वो ये बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि जो हम लोग को यूजुअली जो हम फुलके सेकते हैं पतले पतले उनमें ना थोड़ा सा मुझे लगता है, बाकी आप बताइएगा कि आपका क्या ओपिनियन है अगर आप लोग घर पे ये बनाते हो तो मुझे लगता है कि उससे ना ये प्रॉपरली इस तरीके से ना इसका चूरी बन नहीं पाती। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं जो भी पराठा या पूरी मैं सेकूं उसको मैं थोड़ा मोटा सेकूं और उसके बाद इमीडिएटली। और अब ये देखिए ये ठंडी हो चुकी है काफ़ी, मतलब इसका टेम्परेचर है जो वो नॉर्मल हो चुका है। और ये देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ये देखिए इसमें कोई भी बड़ी बाइट नहीं बची है, बिल्कुल जैसे आटा गूंदा होता है ना हमने किसी चीज़ का, ये वैसी हो गई है। और अब हम इसका इसके लड्डू बनाने शुरू कर देंगे। ये देखिए बिल्कुल जैसे हमने आटा गूंदा होता है ना ये वैसा हो चुका है। और अब मैं इसके शुरू करती हूँ लड्डू बनाने, ये देखिए इस तरीके से इसके लड्डू बन जाएंगे। तो मैं ये बना लेती हूँ, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारे सारे जो चूरी हैं उसके लड्डू बनके तैयार हैं। हाँ जी ये चूरी के लड्डू कह लीजिए या फिर थोड़े से वेरिएशन के साथ कुछ इसी तरीके से हम बनाते हैं उसको हम चूरमा के लड्डू कह देते हैं। हाँ जी हमारी जो भी इंडियन क्यूजीन है ये ऐसे ही है, स्टेट वाइज थोड़ी थोड़ी चेंजेस के साथ ही फ्लेवर्स चेंज होते रहते हैं। मैं तो बचपन से इनको बहुत इंजॉय करती हूँ, एवरी टाइम आई मेक इट तो मुझे मेरे मामा बहुत याद आते हैं, क्योंकि बचपन में क्योंकि उस टाइम पे इतना जंक फूड नहीं होता था कुछ, मेरे मदर के घर पे तो बिल्कुल जंक फूड का कल्चर ही नहीं था। शायद यही रीजन है कि मैं भी अपने बच्चों को इस तरीके की कुछ होममेड चीज़ें ही देना पसंद करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत पसंद आने वाली है और मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप सबसे कि इसे एक बार आप ट्राई ज़रूर करें। अगर इस तरीके से फ्रेश आटा लगा के ऐसे नहीं बनाते हो आप, तो कई बार अगर आपके घर पे कुछ चपाती या प्लेन परांठे बच जाते हैं तो उनको भी आप सेक के इसी तरीके से दोबारा मतलब ट्राई करके देखिएगा, बहुत यमी लगता है, स्टमक फिलिंग है, हेल्दी है।
तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलती हूँ बहुत जल्द आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में नई रेसिपी के साथ। तब तक टेक केयर ऑफ योर सेल्फ और इन्जॉय योर मील्स। थैंक यू सो मच।